नमस्कार, मैं विवेक टोकरा, आप देख रहे हैं प्राइम। बांदा में तेज रफ्तार आरटीओ की बुलेरो ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद घायलों की मदद करने के बजाय आज सुरेश चंद्र यादव घायलों को तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना 4 बजे के आसपास की है। जौहरपुर गांव के रहने वाले सवल सिंह अपनी पत्नी पूजा रानी व 15 साल की बेटी शिवानी के साथ बाइक से गंगा नहाने जा रहे थे, तभी मोहकर गांव के आगे पीछे से आरटीओ सुरेश चंद यादव बुलेरो गाड़ी में ट्रक का पीछा करते हुए तेज रफ्तार से आ रहे थे। बुलेरो ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिवानी की मौके पर ही मौत हो गई। वही गंभीर घायल पति पत्नी को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और कानपुर के लिए रेफर कर दिया। आज सुबह लगभग 5 बजे सबल सिंह नाम के व्यक्ति, जो अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बांदा से सिंधवारी जौहरपुर जा रहे थे, बीच रास्ते में मिर्गैनी में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मौके पर ही उनकी बच्ची शिवानी सिंह की मृत्यु हो गई। और इस मामले में बाकी आगे की जांच की जा रही, जांच के आधार कार्रवाई की जा रही। परिजनों को कहना है कि एआरटीओ साहब की गाड़ी थी, क्या के आधार पर जितनी भी तहरीर आएगी उसके आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे क्या हुआ? कल सुबह 4 बजे करीब ये लोग निकले हैं अपने गंगा स्नान के लिए, जा रहे थे फतेहपुर। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे कुरसेजा के थोड़ा पहले ये लोग वहाँ से ओवरटेक किए हैं, कुरसेजा के आगे ये लोग जा रहे थे, तो मतलब ट्रक वगैरह थे, आरटीओ साहब थे सुरेश चंद यादव, तो उनने ट्रक का पीछे कर रहे थे वो, तो उनने हल्का पीछे से टक्कर मारी है। तो इतने में 3 फैमिली मेम्बर थे मेरे, एक पापा थे, एक बहन थी और एक भाई, सॉरी एक वो थे मम्मी थी। तो जैसे ही टोकर लगी है तो बहन चिटक के सीधा ट्रकों के जब पीछा किया जा रहा था तो ट्रक के नीचे आ गई है, तो बहन की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। और फैमिली मेंबर का बाकी पापा और मम्मी का, तो उनका पापा का पैर फ्रैक्चर है, मम्मी के सर में काफ़ी चोट है। और लोग और आने के बाद वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट ना एम्बुलेंस ना 100 नंबर कुछ नहीं पहुंचा। आरटीओ साहब ने मदद की, उठा के लाए गए? कुछ नहीं, वो वहाँ से तुरंत, वहाँ से उनके ड्राइवर और जो भी थे तुरंत वहाँ से चले गए। अभी शिवानी नाम की 18 साल की लड़की ब्लड अवस्था में लाई गई थी और उनके परिजन बता रहे हैं कि एक्सीडेंट ट्रक से हुआ है, जिसकी मौके पर मौत हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम करवाए के भेज दिया गया है। ये घटना जौहरपुर गाँव के पास घटी है और वहीं एक्सीडेंट हुआ ट्रक से। बांदा से इमरान खान की। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नाइट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध।